हाँ जी, तो हमने लास्ट वीडियो में जो है इन शेप्स के बारे में पढ़ा था और इसको समझा भी और एडिट कैसे किया जाता है ये भी हमने जाना। अब करते हैं हम रेक्टेंगल को एडिट, क्योंकि रेक्टेंगल के एडिट करने का तरीकेकार कुछ अलग है। मैं रीसेट कर देता हूँ इसको पूरे को, रीसेट सेटिंग, सारी सेटिंग रीसेट हो जाएगी। अब आप जाते हैं रेक्टेंगल में, सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल और कोई भी साइज दे के आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से कॉर्नर ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं कॉर्नर नहीं दूंगा, क्रिएट कर देता हूँ इसको मैं। अब रेक्टेंगल को एडिट कैसे किया जाए, क्योंकि मॉडिफाई में जाएंगे तो आपके पास जस्ट पैरामीटर्स नज़र आएंगी कि आप इसकी लेंथ विड्थ ही सेट कर सकते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा आप इसको रेंडर सेटिंग में ले जाके रेंडर एक्सट्रू यानी कि 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इसको। ये दोनों ऑप्शन ऑन करेंगे, ये एनेबल इन रेंडर यानी अब रेंडर में भी ये नज़र आएगा, और एनेबल इन व्यू पोर्ट, ये व्यू पोर्ट में इस तरह नज़र आएगा, ये 3D के शेप में आ जाएगा आपके। अब यहाँ पे रेडियल हुआ हुआ है, मतलब ये राउंडेड है, आप इसको छोटा बड़ा साइज में जो आपको रिक्वायर्ड हो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको रेक्टेंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगल का ऑप्शन ये रेक्टेंगुलर, और इसको आप शेप को छोटी बड़ी जो साइज आपको ज़रूरत हो उतना आप दे सकते हैं। सही है, यहाँ से एंगल है, ये एंगल इनर हो जाएगा या आउटर हो जाएगा, इस तरह आप इसको शेप दे सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो। ये रेक्टेंगल को बेसिक एडिटिंग है। अब इसको मजीद एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सारे ऑप्शंस को हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ज़ीरो, सॉरी, ये 2 था और ये मेरे ख्याल से 6 था। इसको हम वापस अपनी पोजीशन पे लेके आ जाते हैं, राइट क्लिक करूँगा, 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अपनी पुरानी पोजीशन पे लाके क्लोज कर देता हूँ। इन ऑप्शंस को बंद किया, अब इसको एडिट करना है। एडिट कैसे करेंगे, डब्ल्यू से मैंने एक्सेस ऑन कर लिया इसका, और राइट क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करूँगा। तो कन्वर्ट टू एडिटेबल स्पैन के बाद मेरे पास वही ऑप्शन ऑन हो जाएंगे जो मेरे लाइन के अंदर मौजूद थे, लाइन मैंने ड्रॉ की थी उसके अंदर जो ऑप्शंस थे। तो ये आप नीचे देखें, सब आपके पास वही ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन आप इसके अंदर जब एडिट में जाएंगे वर्टेक्स तो ऑप्शन ऑन हो जाएंगे आपके। इसी तरह ये कॉर्नर और डिफॉल्ट जो आता है ये बेजियर कॉर्नर बन के आता है, तो आप इसको कॉर्नर करेंगे राइट क्लिक करके, ये रहा कॉर्नर, ये कॉर्नर कर देंगे आप तो कॉर्नर बन जाएंगे। सारी चीज़ें वही हैं, इसके अंदर क्रिएट लाइन अलग से करना चाहें कर सकते हैं, कनेक्ट करना चाहें कनेक्ट कर सकते हैं, रिफाइन वगैरह सारे ऑप्शन वही हैं, ब्रेक करना चाहें ब्रेक भी कर सकते हैं। अब इसको जो है हम स्प्लाइन लेते हैं, और अभी स्प्लाइन के बाद वही मैं इसमें बल्कि आपको ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ स्प्लाइन आउटलाइन का। तो अब हम क्या करते हैं, आपको इससे मैं एक नक्शा जो है एक रूम का जो है प्लान ड्रॉ करते हैं। अभी आप देख रहे हैं मेरा जो रेक्टेंगल है ये 20 बाय 20 का मैंने ड्रॉ किया था, और ये बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे ग्रिड आपको। इस ग्रिड का मतलब ये है कि एक बॉक्स जो है 10 मीटर भी बोल सकते हैं, पिक्सल भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, मिलीमीटर भी कह सकते हैं, इंच और फिट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल यूनिट के ऊपर सेट हुआ हुआ है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। लेकिन हम इसी डेसिमल को अगर फीट के अंदर काउंट करें कि फीट समझें, तो फीट के लिए हमें लाजमी है कि हम 20 फीट का अगर डब्बा बना रहे हैं तो वो 20 फीट का ही हो, ना कि इतना छोटा हो। तो इस ग्रिड की सेटिंग कैसे होगी, ग्रिड की सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, स्नैप्स टॉगल्स, इसका राइट क्लिक करेंगे, इस पे आके यहाँ पे होम का ऑप्शन है, होम ग्रिड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें ग्रिड स्पेसिंग जो है 10 हुई हुई है, यानी कि ये एक जो है 1 फीट का, एक जो है 10 फीट का भी कह सकते हैं बी, और इसको मीटर में भी 10 मीटर भी बोल सकते हैं, ATC जो आप समझें, डिफॉल्ट हुआ हुआ है ये, यानी कि डेसिमल यूनिट में है। तो मैं बोल रहा हूँ इसको एक बॉक्स जो है मेरा 1 फीट का, देखा आपने पीछे विंडो मेरी चेंज हो गई, तो मैं इसको ऑल व्यू पोर्ट्स पे अप्लाई कर दूंगा और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ अब आप देखेंगे मेरा डब्बा जो है 20 फीट का है, तो ये 20 फीट पर ही मार्क हो गया, सारे जो है ग्रिड मेरे 20 फीट के हो गए, मैंने मतलब एक बॉक्स 1 फीट का हो गया मेरा। तो अब ये इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ,
वॉल्स वगैरह या इसमें रूम वगैरह अगर ऐड करूँ, सॉरी विंडो और डोर्स वगैरह ऐड करना चाहूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, रिफाइन पे जाऊँगा। रिफाइन में जाने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ मेरा दरवाज़ा यहाँ से 1 फिट छोड़ के 3 फिट का मेरा दरवाज़ा हो, तो मैं स्नैपिंग टूल का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये एस से ऑन हो जाएगा और एस से ऑफ हो जाएगा। तो एस से मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रिफाइन किया, फिर 1 2 3 3 3 फिट का मेरा दरवाज़ा हो गया। यहीं पे मैं चाह रहा हूँ खिड़की हो जाए मेरी, तो मैं यहाँ से 2 फिट यानी 2 बॉक्स छोड़ के 1 1 2 3 4 5 6 6 फिट की मैं अपनी खिड़की दे देता हूँ यहाँ पे। ये मेरी खिड़की और दरवाज़ा बन गया। इसी तरह मैं चाहूँ पीछे की तरफ खिड़की देना, तो मैं सेंटर से भी आराम से खिड़की दे सकता हूँ, 1 2 3 1 2 3 6 फिट की मेरी ये खिड़की हो गई। अब मैं एजिस को लूँगा, सेगमेंट्स सेगमेंट्स को अब मैं टॉगल स्नैपिंग जो है ऑफ कर दूंगा एस से। इस वाले और सेगमेंट को पकड़ा, डिलीट कर दिया, इसको डिलीट करना है और आपको इसको डिलीट करना है। अब आप ये शेप देखते जाएंगे, इधर बनती जाएगी। यहाँ पे अब इसको मैं स्प्लाइन सेलेक्ट करता हूँ, स्पाइन से मेरे जहाँ जहाँ ब्रेक है उतनी लाइन वो सिलेक्ट करेगा। तो मुझे ऑल सिलेक्ट करना है, विंडो सिलेक्शन की, मैंने नीचे आया आउटलाइन पे क्लिक कर दिया। आउटलाइन को मैं इसको बोलूँगा कि मुझे 6 इंच की वॉल थिकनेस चाहिए, तो मैं यहाँ आके, ये डेसिमल यूनिट है तो मैं इसको 0.5 बोलूँगा। ये 0.5 मुझे इनर साइड पे इसने 6 इंच की थिकनेस में मुझे वॉल्स बना के दे दी। अब मैं बोल रहा हूँ इसको एक्सट्रूड करता हूँ कि मेरा रूम जो हाइट है वो 10 फिट हो, तो मैं इसमें जाऊँगा मॉडिफायर और मॉडिफायर लिस्ट में जाके ई लिखूँगा, ई ई फॉर एलिफेंट, मतलब ई लिख दिया मैंने। ई लिखने के बाद जो है एक्सट्रूड का ऑप्शन आपके पास यहाँ ऑन हो जाता है। एक्सट्रूड को क्लिक करेंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा आपका। सॉलिड करने के बाद यहाँ पे ये अमाउंट देने का कह रहा है, अमाउंट दें आप कितना एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं अपने रूम को। तो मेरा रूम अगर 10 फीट का है तो मैं 10 फीट इसको लिख दूंगा, ये 10 फीट हाइट मेरे रूम की बन जाएगी। 10 फीट हाइट बनने के बाद अब मैं फ्रंट पे देखता हूँ मेरा तो 10 फीट है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फीट मेरी हाइट हो गई। ये आपका एक रूम तैयार हो जाएगा आराम से। इसको एडिट करने का तरीकेकार बताया, इसी की हेल्प से आप जो है पूरा नक्शा भी बना सकते हैं। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आप ऑटोकैड पे जैसे नक्शे बनते हैं, ड्रॉ होते हैं, उसको इस पे लेके आना, कन्वर्ट करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो जो है आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि हम मैंने पहले वीडियो में शायद बयान किया था कि जो मैंने ऑटोकैड पे प्लान ड्रॉ किया है, पूरी उसकी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, तो वही प्लान मैं इस पे इम्पोर्ट करूँगा और उसी इम्पोर्ट को हम मज़ीद जो है करके और पूरा मॉडल तैयार करेंगे। तो आपको शेप्स के ज़रिए कोई मॉडल बनाना है तो ये मॉडल बनाने का मैंने तरीका बताना था कि शेप्स के ज़रिए भी आप आराम से अपने रूम को क्रिएट कर सकते हैं, प्लॉट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसकी खिड़की हो गई और दरवाजे हो गए, ये किस तरह लगेंगे, बीम कैसे लगाने हैं, बीम से क्लोज कैसे करना है इसको, ये सारी जो इंशाल्लाह चीज़ें हैं मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो क्योंकि वो फिर हम इसको चले जाएंगे एडिटेबल पॉली में, अभी हमारा जो चल रहा है एडिटेबल स्प्लाइन, अभी अभी तक ये एडिटेबल स्प्लाइन पर ही हम लोग काम कर रहे हैं, अभी एडिटेबल पॉली में नहीं गए। जब मैं एडिटेबल पॉली में चला जाऊँगा तो फिर मैं स्प्लाइन पर वर्क नहीं कर सकता, ये स्प्लाइन है, इसको एडिटेबल पॉली कर दूंगा तो इसके अंदर फिर मैं एडिटेबल पॉली सॉलिड वर्क के ही लिहाज से इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, 2D वर्क के लिहाज से इसको एडिट नहीं कर सकता। जैसा कि मैं अभी यहाँ से इसको मैं वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरा वापस उसी शेप में 2D शेप में आ जाएगा। सेगमेंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, अभी भी मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि एडिट करना है तो फॉर एग्जांपल मेरा 20 नहीं, मुझे ज़्यादा बड़ा रूम चाहिए, तो मैं यहाँ से वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं मूव कर दूंगा। ये आप एडिटेबल पॉली में भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन जब एडिटेबल पॉली में चला जाएगा तो फिर आपको रूम वगैरह विंडोज़ या डोर बनाने के लिए लाजमी है कि फिर आपको बुलियन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बुलियन के लिए आपको एडिटेबल पॉली में जाना पड़ेगा। अगर आप भूल जाते हैं, यहाँ पे मेरी खिड़की थी यार मैं भूल गया,
तो फिर वो आपको बुलियन के जरिए करना पड़ेगा। अभी मैं भूल गया जैसे, तो मैं फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है पॉइंट्स ऐड करके आराम से मैं अपनी खिड़की ड्रॉ कर सकता हूँ। रिफाइन करूँगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, ये जितनी भी बड़ी खिड़की चाहिए मुझे ये मैंने खिड़की ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से। और इसी तरह फिर यहाँ से भी पॉइंट जो है सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इनको भी आमने सामने एक तरफ करके ऐड कर सकता हूँ और ये दोनों डिलीट कर दूंगा सेगमेंट्स। अब राइट क्लिक करके कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, ये मेरा एक खिड़की यहाँ पे भी ड्रॉ हो जाएगी। अब मैं एक्सट्रूड में देखूंगा तो यहाँ मेरी खिड़की ड्रॉ हो गई। ये इसको एडिट करना था। और इस वीडियो में हमने देखा आसान तरीके से आप रूम कितने जो भी आपका प्लान हो उसको आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं इस मदद से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बेहतरीन चीज़ सिखाऊंगा। और तो साथ रहिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।